अगर आप गर्मी की छुट्टियों में हवाई सफर का मन बना रहे हैं तो जल्द से जल्द टिकट बुक करा लीजिए, क्योंकि छुट्टियों के चलते हवाई किराए औसतन 40% तक बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, बुरी खबर ये भी है कि ज्यादा मांग करने वाले सेक्टर्स पर तो किराए दोगुने तक बढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली से मुंबई का हवाई टिकट जो अमूमन 3 से 5 हजार रुपए तक मिल जाता है, मई के महीने में उसी के लिए आपको 5 से लेकर 10 हजार रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं दिल्ली से गोवा का टिकट जो आमतौर पर 4 से 6 हजार रुपए में मिल जाता है, उसके लिए आपको मई के महीने में 5 से 10 हजार रुपए ढीले करने पड़ सकते हैं। इसी तरह से दिल्ली से कोलकाता का हवाई टिकट जिसकी सामान्य कीमत 4 से 6 हजार रुपए है, उसके लिए मई के महीने में ही 10 हजार रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। जाहिर है तमाम एयरलाइंस हवाई टिकटों की भारी मांग वाले सीजन को मुनाफा कमाने के एक बेहतरीन मौके के तौर पर देख रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि एयरलाइंस को अंडरसेल करना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि जितना भी उनका प्रॉफिट हो 10%, 15%, 20% अपने डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद 50% और ज्यादा पे एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स होनी चाहिए कि आप एक अपर लिमिट किराए की फिक्स कर दीजिए। जैसे एयरलाइन का डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट दिल्ली से बॉम्बे का अगर 4,000 रुपये है तो आप अपर लिमिट 8,000 फिक्स कर दीजिए ताकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी रहे। गर्मी की छुट्टियों में अगर आप सस्ते टिकट पाना चाहते हैं तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं। जानकार मानते हैं कि अगर यात्रा की तारीख तय हो तो जल्द बुकिंग कर आप ज्यादा टिकटों की मांग के बीच भी सस्ते हवाई टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन इस सीजन के सस्ते टिकट भी उन टिकटों जितने सस्ते नहीं होंगे जितने कुछ एयरलाइंस ने इस साल की शुरुआत में ऑफर्स दिए थे। मांग बढ़ने के साथ साथ हवाई किरायों में बढ़ोतरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब मांग ये उठने लगी है कि इन बढ़े हुए किरायों की भी कोई ऊपरी सीमा तो तय होनी ही चाहिए। कैमरामैन हरिंदर के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक।